कहानी की शुरुआत में हम दो चोर को देखते हैं जिन्होंने ग्रेव खोदी हुई थी और वे उसमें रखी हुई लाशों से गोल्ड चुरा रहे थे। तभी वहां पर ग्रेवयार्ड का केयरटेकर मेसन आता है जो कि उन पर गन तान देता है और उनसे कहता है कि वे तुरंत यहां से भाग जाएं, वरना वह पुलिस को बुला लेगा। इतना सुनते ही वे चोर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद मेसन खुद लाश के पास जाता है और देखता है कि उसका दांत सोने का है। वह सोने के दांत को निकालता है, तभी दांत उसके हाथ से गिर जाता है। वह दांत को निकालने की कोशिश करता है, उसी बीच एक चूहा उसके हाथ को काट लेता है। इस वजह से वह उस ग्रेव को बंद करके एक जगह की तरफ निकल जाता है जहां वह एक इंसान से मिलता है और कहता है कि आज बस उसे यही याद लगा है। वह इंसान उसे डांटता है और कहता है कि इससे तुम अपना कर्ज नहीं चुका सकते, अगर जल्दी कर्ज नहीं चुकाया गया तो उन लाशों के बीच में तुम्हारी लाश होगी। जिस पर मेसन बताता है कि आजकल कोई अमीर बंदा नहीं मर रहा है, सब गरीब लाश ही आ रही हैं और अब ग्रेवयार्ड में चूहों की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वे सब कुछ ले जाते हैं, यहाँ तक कि लाशों को भी। वह इंसान उसकी बात का विश्वास नहीं करता और उसे 7 दिन का समय देता है अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगले दिन मेसन अपने एक दोस्त के पास जाता है जिससे मेसन कहता है कि वह लाशों को दिखाए जिससे वह सोना चुरा सके। दोस्त कहता है कि यार अगर यह बात पुलिस को पता चल गई तो उन्हें जेल हो जाएगी। मेसन उसके लिए उसको एक ड्रग की बोतल लाता है जिससे उसका दोस्त खुश हो जाता है और वह मेसन को लेकर लाशों को दिखाने लगता है। मेसन सभी को चेक करता है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी वह पर्दे के पीछे एक लाश नज़र आती है। उसका दोस्त उससे कहता है कि यह बहुत अमीर आदमी की लाश है, इस पर अगर एक खरोंच भी आ गई तो वह सब कुछ बर्बाद कर देंगे। मेसन उसकी बात को नहीं मानता और वह देखता है कि लाश के ज़्यादातर दांत सोने के हैं। वह उनको निकालने की कोशिश करता है पर उसका दोस्त उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर उस आदमी के रिलेटिव्स आ जाते हैं। वह औरत अपने पति को देखकर रोने लगती है और अपने नौकर से कहती है कि वह मेरे पति की पुश्तैनी तलवार के साथ उनके साथ उनको दफन किया जाए जो कि सिल्वर की बनी हुई है और वह बहुत ही महंगी है। यह सब बात मेसन छुपकर सुन लेता है, जिसके बाद मेसन अपने घर पहुंचता है और आगे का प्लान डिस्कस करने लगता है। तभी उसकी नज़र सेलिंग पर पड़ती है और उसे वहाँ पर कुछ लटका हुआ नज़र दिखता है। वह उसे खींचता है, तभी चूहों की बारिश उस पर हो जाती है जिससे वह बहुत डर जाता है। तभी उसकी आंख खुल जाती हैं, उसे पता चलता है कि वह बस एक सपना देख रहा था। अगले दिन लाश को गाड़ने के बाद वह कब्र खोदता है और देखता है कि उसमें कोई लाश नहीं है। यह देखकर वह बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा गड्ढा नज़र आता है जिसके अंदर वह देखता है कि लाश को चूहे खसीटकर ले जा रहे हैं। यह देखकर वह बहुत ही डर जाता है कि अगर उसे सोना नहीं मिला तो उसको भी ये लोग मार देंगे, इसलिए वह उस सुरंग में घुस जाता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से लगता है जिससे कई सारे पत्थर उस पर गिर जाते हैं और उसका रास्ता बंद हो जाता है। अब वह वापस नहीं जा सकता है, आगे बढ़ने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं होता। तभी उस पर चूहे हमला कर देते हैं जिनसे बचने के लिए वह अपनी बंदूक से उन पर शूट करता है और उसकी गोली उसके पैर पर ही लग जाती है, लेकिन बंदूक की आवाज़ से सभी चूहे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वह एक विशाल चूहे को देखता है जो कि इतना बड़ा था कि वह उसे कच्चा ही खा जाता। उसे देखकर वह बहुत ही डर जाता है, लेकिन वह चूहा उसके सामने आ जाता है और उसे सूंघने लगता है। वह तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और चूहे को शूट करता है। चूहा भी उस पर हमला कर देता है और इसी जल्दबाजी में वह एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर सिर्फ इंसानों के कंकाल ही थे। इससे वह समझ जाता है कि चूहा इंसान की बॉडीज को खा करके यहीं पर फेंकता है। इन्हीं बीच में उसे ढेर सारा सोना मिलता है जिसे वह अपने कपड़ों में रख लेता है। आगे बढ़ने पर उसे एक प्राचीन ब्लैक चर्च नज़र आता है जहाँ पर एक अजीब तरह की शैतानी मूर्ति भी थी जो कि एक प्राचीन गौड की थी। उसके सामने वहाँ पर एक कंकाल को वह देखता है जो उस गौड़ का भक्त था।
उसके गले में एक लॉकेट होता है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। मैनसन बिना कुछ सोचे समझे उस लॉकेट को निकाल लेता है जिससे वह कंकाल जिंदा हो जाता है और उसे अपने लॉकेट वापस मांगने के लिए पीछे पड़ जाता है। आगे सुरंग में मैसन को वही चूहा दिखता है और पीछे उसके कंकाल पड़ रहा था। चूहा जैसे ही मैसन पर हमला करता है तो वह उस पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है जिससे वह चूहा उससे दबकर ही मर जाता है और पत्थर गिरने से वह रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है जिधर से वह कंकाल उसका पीछा कर रहा था। अब वह अपने आप को सेफ महसूस करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि वह आज उसे बाहर निकाल दे, वह यह सारे बुरे काम बंद कर देगा। तभी उसे एक लाइट नज़र आती है, वह बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि वह सूरज की रोशनी है जो उसे बाहर का रास्ता दिखा रही है। जब वह रोशनी का पीछा करते हुए एंड पर पहुंचता है तो वह अपने आप को एक कब्र में पाता है और रोशनी उस पर लगी प्लेट से रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिसे देखकर वह बहुत ही डर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है। तभी बहुत सारे चूहे आकर उस पर हमला कर देते हैं और उसके अंदर घुसकर उसका मांस खाने लग जाते हैं। तभी शुरुआत वाले वे ही दोनों बंदे वहाँ पर आते हैं और उस ग्रेव को खोलते हैं। वे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि मैसन की बॉडी से चूहे निकल रहे थे। यह सब देखकर वे बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अच्छी लगी हो तो अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।